हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्ली कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का चीला, जो कि एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट आइटम है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, हमने बहुत पतली सूजी ली है, और हम ले लेंगे आधा कटोरी दही। दही के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आप सब जानते ही हैं कि ये कितना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। साथ ही साथ ये जो सूजी है, जिसको हम सेमोलिना कहते हैं, वो भी हमारे जो शरीर है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और जो अपना वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट है। सूजी पानी में मिक्स होकर फूलने लगता है, तो हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे ताकि इसका एक पतला घोल बना सकें। अब सूजी, दही और पानी, इन तीनों को मिक्स करके हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। सूजी हमारा अच्छे से फूलकर आ जाएगा। हमने इसमें लगभग एक कटोरी पानी मिक्स किया है, क्योंकि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूजी है वो फूलने के बाद पानी सोख लेता है। तो इस तरह आप देख के इसमें मिक्स कर सकते हैं। चलिए इन्हें आधे घंटे के लिए हम अकेला छोड़ देते हैं, तब तक वो अपने सेट हो जाएं अच्छे से। तब तक हम अपने जो वेजिटेबल्स हैं उसको कट कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है कैप्सिकम, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्ची और प्याज। इन सबको हमें बारीक बारीक कट करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। हरी धनिया भी लिया है, उसको भी हम बारीक कट कर लेंगे। 30 मिनट हो गए हैं। अब जो हमारी सूजी है वो फूल के अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए, ये थोड़ी टाइट हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब हम इसमें बारीक कटे हुए जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सबको मिक्स कर देंगे। सब्जियां जितनी बारीक कटी होती है उतना ही इसका स्वाद बढ़ जाता है और ये अच्छे से कुक हो जाता है। ज़्यादा मोटे मोटे वेजिटेबल्स कट करने से जो सूजी का चीला है उसमें ग्रिप नहीं आ पाता, और कई बार सूजी का चीला टूट भी जाता है। अब हमने इसमें मिला दिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये गरम मसाला हमने घर में ही बनाया था। और मिला देंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने हल्का सा पानी और डाल दिया है ताकि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। इस तरह देखिए, ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो चलिए, हमने गैस पर रख दिया है तवा। गैस मीडियम हीट पर रखेंगे ताकि ये ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। मीडियम हीट पर हम इसे डालेंगे इस तरह से। अगर आपसे सूजी का चीला टूट जाता है, उसकी बाइंडिंग नहीं बन पाती है आपसे, तो आप उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, पर हमने गेहूं का आटा मिक्स नहीं किया है। इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और इसे ढककर हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। सूजी का चीला थोड़ा मोटा ही बनता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स मिक्स किए हैं। अगर ज़्यादा पतला हो जाता है तो वो टूट जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और हम सूजी का चीला पलट देंगे। ये जो सुनहरा ब्राउन कलर है, इस कलर का होना चाहिए, और हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि जो इसके अंदर के वेजिटेबल्स हैं अच्छे से इसमें दब जाएं अंदर की तरफ, और अच्छे से ये कुक हो जाएं। ये जो ट्रिक है मैंने सुनंदा आंटी से सीखा था। थैंक यू सुनंदा आंटी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। पराठों को, उत्तपम को इस तरह से दबा दबा से के जो सेंकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। ये थोड़ा क्रंची हो जाता है, और बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, तो खाने में और भी मज़ा आता है। पतले पतले जो चीला बनते हैं उन्हें ढकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आसानी से कुक हो जाते हैं। इस तरह वेजिटेबल्स वाला जो चीला होता है उसे हमें ढककर पकाना होता है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक। इसे सूजी का उत्पम भी कहते हैं। ओ माय गॉड, लीजिए, तैयार है सूजी का गर्मा गर्म चीला। इसे हमने टमाटर चटनी के साथ सर्व किया है। इसके साथ इसका जो स्वाद है वो दुगुना हो जाता है। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये झटपट तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप देख ही सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे बना है।
ओह माय गॉड, सच ए ब्यूटीफुल रेसिपी यार। आप मैं आपको बता भी नहीं सकती, बाहर से कितना क्रंची है, अंदर से इतना अच्छा उसका टेस्ट आ रहा है। और हमने जो गरम मसाला डाला था उसका भी टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है। आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपने पहले ये बनाया है तो आपने क्या क्या मिलाया था हमारे साथ, इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।